मैं हेड कांस्टेबल सिंधी दहल नाका का इंचार्ज। कल रात को यहाँ पर कुछ शराबी तत्वों द्वारा जो पंजाब के दहल की ओर से आ रहे थे, पिछले कोई किसी पंजाब के लोकल गांव से और चीकने की तरफ जा रहे थे, तो जब उन्हें नाका पर रोका गया तो उनसे पूछताछ की गई कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे चीकना गांव में जा रहे हैं। और उन लड़कों ने जो है वो शराब पी रखी थी, तो मौके पर मौजूद जो हमारी महिला पुलिस की लड़कियां थी जवान, उन्होंने उनको रोका और पूछताछ की, तो उनमें से तीन लोग नीचे उतर आए गाड़ी में से, एक गाड़ी में था, फिर उन्हें पूछताछ की और उन्होंने शराब पी हुई थी तो उनको जाने के लिए रोका कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, कहाँ से आ रहे हैं, रात को कर्फ्यू लगा हुआ है और आप लगभग 11 बजे का समय था रात का, तो इस टाइम घूम रहे हैं। तो उनमें से एक लड़का गाड़ी पीछे लेके चला गया, तीन ही खड़े होकर बात कर रहे थे, और जो चौथा लड़का वो गाड़ी पीछे लेके गया, वो ऊपर वाले दूसरे रोड से गाड़ी डाल के वहाँ पर जो बोरियाँ वगैरह बैरिकेड्स लगाए हमने उनको हटा के गाड़ी फुल स्पीड में सामने वाले रोड से और बैरिकेड तोड़ता हुआ भाग गया। फिर जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात जवान थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी नाका तोड़ के भागी है, तो फिर मैं नीचे आया यहाँ पर अपने होमगार्ड के जवानों को लेके जो हमारे साथ हैं यहाँ पर तैनात। यहाँ पर उस समय जब मैं आया तो दो ही लोग खड़े थे और बाकी दो लोग जो वो भाग चुके थे गाड़ी में, उनसे पूछताछ की, उनके बारे में पता किया और उनको पूछा कि क्यों नाका तोड़ा, तो उन्होंने बताया कि जो हमारे साथ जो लड़का था गाड़ी में जिसके पास गाड़ी थी उसने नाका तोड़ा है, हम तो यहीं खड़े थे, और उनके बारे उनको बुलाने के लिए भी कहा कि आप उनको बुलाओ यहाँ पर लेके आओ, और जब काफ़ी समय बाद भी वो नहीं यहाँ पर वापस आए तो फिर हमने पुलिस थाना को इसकी सूचना दी और आगामी कार्रवाई जो है पुलिस थाना के द्वारा जो IO साहब हैं उनके द्वारा की गई है और उनके हवाले कर दिए गए अब उनको।